हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो सेशन बाई अपने क्लासेज सो गाइस इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स को जो कि हमारे बच्चे थे सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो गाइस सबसे पहले हमने जो कल पढ़ा था हम उसको रिवाइज करते हैं सो गाइस हमने पढ़ा था प्लो एंड हो सो so गाइस प्लो प्लो के यूजेस पढ़ लेते हैं एंड उसके जो मेन पार्ट्स थे उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार सो वह जो प्लो है वो टिलिंग के लिए यूज होते हैं सो अब टिलिंग क्या होता है जब हम खेत को जोतते हैं ठीक है उसमें हम प्लो ही चलाते हैं सो प्लो के प्रोसेस को जो मतलब हम उसको जब जोत रहे हैं खेत को उसको प्लोइंग भी बोलते हैं मतलब जब आप खेत जोत रहे हो जो आप जोत रहे हो ना खेत वो खेत जोतने को हम बोलते हैं प्लोइंग या फिर टिलिंग ठीक है सो जो प्लो होता है वो टिलिंग के लिए भी यूज किया जाता है ये क्या करता है हमारी सॉइल को प्रॉपर ह्यूमस भी प्रोवाइड कर देता है अगर हम अपने फील्ड्स में मतलब टिलिंग करने से पहले प्लो प्लो करने से पहले अपनी फील्ड को अगर हम उसमें ह्यूमस डाल दें सो तो जब हमारी फील्ड प्लो होती है तो उसके साथ साथ जो ह्यूमस होता है वो भी सॉइल के अच्छे से अंदर तक चला जाता है जिससे हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एंड वो हमारी क्रॉप को हेल्प करती है हेल्दी ग्रो होने में सो तो ये प्लो किस किस के लिए यूज़ होता है टिलिंग के लिए यूज़ होता है वो हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स डालता है मतलब ह्यूमस एड करता है सॉइल में ठीक है फिर ये क्या करता है वीड्स को रिमूव करता है एंड सॉइल को टर्न करने में हेल्प करता है वीड्स को कैसे रिमूव करते हैं सो गैस अगर आप फील्ड में प्लोइंग करोगे सो so, मतलब अगर आपने कहीं देखी होगी फील्ड्स में प्लोइंग करते हुए किसी को सो so जब आप देखोगे कि जब क्रॉप उगेगी ना हाँ सो so वीट weed उगेंगे वीड्स उगेंगे बट लेकिन वीड्स बहुत देर के बाद उगेंगे ठीक है सबसे पहले क्या होगा कि अगर आपने प्लो किया होता है फील्ड को सो so उससे क्या होता है कि जो आपका जो मतलब आपके वीड्स होते हैं वो उनकी जो ग्रोथ होती है वो कम होती है मतलब थोड़े टाइम के बाद होती है उनकी ग्रोथ शुरू ठीक है so, सो फिर उनको हम रिमूव करते हैं हो से बट जब उनकी ग्रोथ को थोड़ा सा लेट करने के लिए हम क्या करते हैं प्लो करते हैं अपनी फील्ड को जब अगर हमारी फील्ड प्लो हो गई हो सो उसके साथ वीड्स की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी कम हो जाती है ठीक है सो जो हमारा प्लो है वो हमें हेल्प करता है वीड्स से वीट के मतलब वीड्स से छुटकारा पाने में एंड हमारी सॉइल को टर्न भी कर देते हैं मतलब हमारी सॉइल को अच्छे से प्लो भी कर देता है टर्न करना है इन द सेंस कि जो हमारे रिच लेयर है उसको ऊपर आंधना है एंड जिस लेयर से न्यूट्रिएंट्स चले गए मतलब जिनसे प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिए न्यूट्रिएंट्स उनको नीचे कर देते हैं ठीक है एंड जब हम ह्यूमस ऐड करते हैं तो जो सारी सॉइल में ही न्यूट्रेंट्स मिल जाते हैं ठीक है सो प्लो हमें इन चीज़ों में हेल्प करता है सो so, अब हमने प्लो की डायग्राम देखी थी सो प्लो में एक आयरन स्ट्रिप होती है वो कहाँ पर होती है प्लोशेयर में प्लोशेयर क्या होता है प्लो का ब्लेड ठीक है जिससे हम खेत को जोतते हैं ठीक है खेत को प्लो करते हैं सो so, ये जो प्लोशियर होता है उसमें एक आयरन स्ट्रिप होती है जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है प्लोशियर का जब उसी को हम जब जो प्लोशियर होता है वो नुकीला होता है वैसे ऐसा नहीं होता सो गैस वो ऐसा होता है सो so, जब आप उसको ऐसे करके मारते हो ना सॉइल पे जब आप सॉइल पे उसको हिट करते हो ताकि हम अपनी जो ज़मीन है हाँ उसको प्लो कर सकें सो so, आप उस उसके आयरन स्ट्रिप को करते हो प्लो ठीक है मतलब उसके आयरन स्ट्रिप को आप जमीन पर मारते हो तभी आपकी प्लो होती है ठीक है सो वो आयरन स्ट्रिप होती है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है प्लो शेयर का देन फिर इसका एक मेन पार्ट होता है प्लो का वो होता है प्लो शेफ्ट ठीक है अगर ये पार्ट नहीं होगा सबसे पहले तो हम ब्लेड ऐसे नहीं कर सकते ना ब्लेड को किसी के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा तभी हम उसको होल्ड कर पाएंगे सो उसका मतलब जो हमारा प्लो शेफ्ट है वो मेन पार्ट है प्लो का ठीक है इसको हम रॉड रौ, भी बोल सकते हैं पर लेकिन इसका मेन नाम क्या है प्लो शेफ्ट ठीक है एंड ब्लेड क्या होता है प्लो शेयर अब ब्लेड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या होता है आयरन स्ट्रिप ठीक है सो अब हमारे प्लो में दो चीज़ें होती हैं प्लो शेयर प्लो शेफ्ट प्लो शेफ्ट सबसे मेन पार्ट है हमारे प्लो का एंड जो प्लो शे, प्लो शेयर में हमारी आयरन स्ट्रिप है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है प्लो का ठीक है सो so, यहाँ पे हमने प्लो को डिस्कस कर लिया आप एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो सो so, चलो अब हम हो को डिस्कस करते हैं सो so, गायस हो एक हैंड टूल है जो कि स्मॉल फार्मर्स के द्वारा यूज किया जाता है अब स्मॉल फार्मर्स कौन होते हैं जिनके पास ज्यादा बड़ी बड़ी फील्ड्स नहीं होती जिनके पास एक छोटा सा लैंड होता है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए ठीक है वो यूज करते हैं हो हो एक हैंड टूल भी है मैंने आपको हो का एक मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाई थी जिसमें मैंने आपको गार्डन हो दिखाया था वही हो की बात करी वो हो क्या है वो एक हैंड टूल है वो जरूरी नहीं है वही हो ये हो भी हो सकता है ठीक है सो तो वो हो क्या हो एक हैंड टूल है जो कि स्मॉल फार्मर्स के द्वारा यूज किया जाता है स्मॉल फार्मर्स कौन होते हैं जिनके पास फील्ड्स का स्मॉल लैंड होता है मतलब जिनके पास ज्यादा बड़ी बड़ी जमीनें नहीं होती जिनके पास एक छोटा सा लैंड होता है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए ठीक है सो हो उसमें हेल्प करता है ठीक है देन बोला इट मेनली हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वीड्स एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल कि मतलब जो हो है उसका मेन काम मेन काम ये है कि वो वीड्स को रिमूव करता है एंड सॉइल को लूजन करता है देखो अगर आप वीड अगर कहीं पर ग्रो हुआ है सो तो आप उसको हो से काटोगे ठीक है आपने उसको हो से निकाल दिया सो so, वो क्या कर रहा है जब वो हटेगा सो so, सॉइल भी तो लूज होगी क्योंकि जब वीड्स की भी तो जड़ों ने उसको पकड़ के रखा है ना सॉइल को सो so, अगर वीड्स ही निकल जाएंगी तो वो सॉइल लूजन हो जाएगी सो so, मतलब वीड्स को तो रिमूव करता है ये साथ में सॉइल को लूजन भी करता है सो so, अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे सो so, गाइज इसमें एक रॉड होती है वो आयरन से भी बनी हो सकती है एंड वुड से भी बनी हो सकती है ये सबसे लंबी वाली रॉड ठीक है ये आयरन से भी बनी हो सकती है वुड से भी बनी हो सकती है देन ये बेंट प्लेट ठीक है ये बैंड प्लेट जो है ये ब्लेड की तरह वर्क करती है और ये आयरन की बना आयरन की बनी होती है ठीक है यही हमारे वीड्स रिमूव करती है ठीक है ये ब्लेड से बनी होती है एंड ये आयरन की तरह वर्क करती है देन हम इसमें एक बीम होता है जो कि एनिमल्स के हम्प के ऊपर रखा जाता है ठीक है बुल्स उनके हम्प के ऊपर रखा जाता है मतलब हम्प के आगे नेक के पीछे उनका एक हम्प होता है हम्प के ऊपर उनको रखा जाता है ताकि जैसे जैसे वो चलते जाए पीछे पीछे हमारा हो भी चलता जाए ठीक है सो इसकी ग्रिप भी होती है एंड हैंडल भी होता है ठीक है सो गाइस इसके साथ हमने हो भी डिस्कस कर लिया क्या होता है स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया इसका ठीक है सो हो का क्या होता है हो क्या करता है वीड्स को रिमूव करता है एंड सॉइल को लूजन करता है एंड साथ में हो एक हैंडल टूल भी है जो कि उन फार्मर्स के वो फार्मर्स यूज करते हैं जिनके पास ज़्यादा बड़ी लैंड नहीं होती लेकिन बट छोटा सा पीस ऑफ लैंड होता है ठीक है एंड ये इनका मेन काम है हो का वो है वीड्स को रिमूव करना एंड सॉइल को लूजन करना देन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक रॉड है जो कि आयरन की भी बनी हो सकती है वुड की भी बनी हो सकती है ठीक है इसमें एक बेंट प्लेट है जो काम ब्लेड की तरह करती है ठीक है यही हमारे वीड्स को रिमूव करती है सॉइल को लूजन करती है ठीक है ये ब्लेड की तरह काम करती है और ये आयरन की बनी होती है ठीक है सो so, अब है इसके बीच में पीछे एक बीम है ठीक है रॉड के रॉड के साथ वो अटैच है बीम वो एनिमल्स की बैक पे रखी जाती है कि जैसे एनिमल्स चलते जाएं वैसे वैसे हमारी मतलब जैसे जैसे एनिमल्स हमारे चलते जाएं वैसे वैसे हमारा हो भी चलता जाए साथ में ठीक है सो गाइज ये इसका स्ट्रक्चर था एंड ये इसका यूज था सो so, गाइज अभी आप ले लो इसका स्क्रीन देन हम आ जाते हैं कल्टिवेटर पर सो so गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे कल्टिवेटर पे सो so गई जो कल्टीवेटर होता है वो आजकल प्लोइंग के काम भी आते हैं ठीक है आजकल उसको ट्रैक्टर के साथ लगा कर प्लोइंग में यूज करते हैं सो so गईज तो ये क्या करते है ये हमें हेल्प करता है कि हमारे इससे क्या होता है हमारी मेहनत भी बचती है एंड हमारा टाइम भी बचता है जो कल्टीवेटर होता है वो एक टाइप का मॉडर्न मॉडर्न प्लो ही है ठीक है बस उसमें हमें क्या करना पड़ता है उससे एनिमल्स के थ्रू उस प्लो से हम एनिमल्स के थ्रू कल्टीवेट करते हैं अपने लैंड को एंड कल्टीवेटर के थ्रू हम कल्टीवेटर से करते हैं सो मैं आपको कल्टीवेटर की भी डायग्राम बना के दिखाऊंगी यहाँ पे सो मतलब जो हमारा प्लो है ना उसको मॉडर्न वर्जन प्लो का मॉडर्न वर्जन आ जाता है हमारा कल्टिवेटर जो प्लो है उसको हमें एनिमल्स के थ्रू जिला हमें उसके मतलब जो अगर हमें लैंड को प्लो करना हो वो भी प्लो से जो तो हमें क्या करना पड़ता है उसको एनिमल्स के थ्रू लगाना पड़ता है मतलब हम अगर एनिमल्स चलेंगे जैसे जैसे वो चल जाएंगे वैसे वैसे हमारे प्लो होता जाएगा या फिर दो एन दो इंसान ही इंसान का ही पेयर लगाएंगे हम ह्यूमंस का पेयर ही लगाएंगे उसको जोतने के लिए तो वो भी जब तक उसको पकड़ के चलेंगे नहीं तब तक वो नहीं हम जोत सकते उसको ठीक है तो वो जब जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे, वैसे वो प्लो होती जाएगी लैंड बट क्या उसमें मेहनत तो भी बहुत लग रही है ठीक है ये तो है ना कि प्लो हल्का होगा वो प्लो भी भारी होगा सो तो उसको उसके में मेहनत भी लग रही है एंड वो टाइम भी बहुत लेता है बट लेकिन अगर सेम चीज़ हम ट्रैक्टर की हेल्प से करें मशीन्स की हेल्प से करें सो ये बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए ठीक है ये ना ही हमारा ज़्यादा टाइम लेता है और ना ही हमारी मेहनत लेता है ठीक है जो कल्टिवेटर होता है वो उस उसके साथ उसका एक मेन फ्रेम होता है उस फ्रेम के साथ दोनों साइड्स ब्लेड लगे होते हैं ठीक है थीके? वो ब्लेड को देन फिर उस वो एक रौ, एक रॉड टाइप के चीज़ के साथ जॉइंट होता है सो उसको हम जॉइन करते हैं ट्रैक्टर के साथ उसको ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं एंड जैसे जैसे ट्रैक्टर चलता जाता है वैसे वैसे लैंड हमारी कल्टिवेट होती जाती है ठीक है अब आपको पता है ट्रैक्टर की आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो ठीक है सो वो जितनी फास्ट चलेगा उतनी ज़्यादा आपकी प्लो होती जाएगी लैंड ठीक है उतनी जल्दी आपकी लैंड भी प्लो होती जाएगी बट लेकिन इसको धीरे धीरे ही करते हैं सो वो लैंड आपकी प्लोचेगी अगर ट्रैक्टर के पिछले तो भी आपका लेबर भी बचे आपकी मेहनत भी बचती है एंड आपका टाइम भी क्योंकि जो ट्रैक्टर से अगर आप काम कर तो वो बहुत जल्दी देगा बचता है आपका काम बहुत ज्यादा जल्दी कर देते हैं बहुत ज्यादा आसान बना देते हैं ठीक so, है सो कल्टिवेटर यही होता है सो अब क्या कहते हैं जो कल्टीवेटर होता है वो हमारी सॉइल को टर्न भी करता है क्योंकि वो एज अ हम उसको यूज तो एज अ प्लो ही कर रहे हैं ना वो काम तो एज अ प्लो ही कर रहे हैं बट वो पता लग गया वो उसका मॉडर्न वर्जन आ गया बस हम उसको ट्रैक्टर के साथ कर रहे हैं बट काम तो वो प्लो का ही कर रहा है सो so, वो क्या कर देते हैं वो जमीन में एक सीड बेड बना देते हैं जिसमें हम सीड डाल सीड्स डाल के हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं so, सो सीड बेड कैसा हो सीड बेड कैसा होता है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी ठीक है so, सो वो क्या करता है वो सॉइल को एक तो टर्न ओवर भी कर देते हैं मतलब उस सॉइल को जैसे हम प्लो में कर प्लो की जो एडवांटेजेस है उसकी भी यही है कि वो क्या करते है जो हमारे Uh, मतलब जो हमारा कल्टिवेटर है वो क्या करता है सॉइल को टर्न कर देता है मतलब या अगर हमने ह्यूमस पहले ही डाल दिया हो उसको मतलब सॉयल को ह्यूमस के साथ ऐड कर देता है या फिर क्या करता है वो जो न्यूट्रेंट लिस्ट लेयर होती है उसको ऊपर ला देते हैं जो जो ऐसी लेयर होती है जो हमारी टॉप लेयर होती है जिससे न्यूट्रिएंट्स ले ली होते हैं क्रॉप ने उसको वो नीचे कर देता है ताकि उसमें और न्यूट्रिएंट्स आ जाए एंड अगर ह्यूमस डाला हो हमने ऑलरेडी सो वो ह्यूमस को उसके साथ मिक्स कर देता है ठीक है तो so, और क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा प्लो चल जैसे जैसे हमारा कल्टीवेटर चलता चल जाता है वो हमारे सीड्स के लिए सी बेड बना देते हैं ठीक है एंड देन हम उसमें ईजिली अपने सीड्स ग्रो, ग्रो कर सकते हैं ठीक है सो so, उसी के साथ हमारा शुरू होगा सीड ड्रिल का टॉपिक ठीक है एंड ये क्या करते हैं वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं वीड्स को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं देखो मैंने आपको बोलता था अगर हम प्लो करें लैंड को तो क्या होता है अगर हम फील्ड को प्लो करें सो so, वीड्स की ग्रोथ कम हो जाती है सो अब जैसे भी हो रहा है हो तो लैंड प्लो ही रह चाहे कल्टीवेटर के थ्रू हो रहे हैं या प्लो के थ्रू हो रहा है लैंड तो प्लो ही हो रहा है ना लैंड तो लैंड में तो प्लोइंग का ही प्रोसेस हो रहा है टीलिंग का ही प्रोसेस हो रहा है मतलब लैंड तो कल्टिवेट ही हो रही है ना सो चाहे प्लो से करो चाहे कल्टिवेटर से करो लैंड तो कल्टीवेट ही होगी सो अगर लैंड प्लो ही हो रही है लैंड कल्टिवेट ही हो रही है सो इसका क्या मतलब है वो वीड्स की ग्रोथ को रोक देते हैं मतलब वीड्स को खत्म करने में हेल्प करते हैं एंड वीड्स की ग्रोथ रोकने में हेल्प करते हैं ठीक है सो so, कल्टीवेटर का हमारा यही काम था सो so, वैसे अभी कल्टीवेटर की टू टाइप्स भी हैंड कल्टीवेटर एंड फील्ड कल्टीवेटर सो यह जो हैंड कल्टीवेटर है अगर आपने अपने घरों में कुछ पौधे वगैरह लगाए हैं या अगर आपको घर में सिर्फ अगर आपने एक जगह बनाई जहाँ पे आप स्पेसिफिकली पौधे टाइप लगाते हो पौधे लगाते हो मतलब एक स्पेसिफिक जगह बनाई हुई है सो so, बहुत बार हम देखा होगा कि हम क्या होते हैं कि उसका एक हैंडल होता है आगे तीन, तीन 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 ऐसे ब्लेड्स टाइप होते हैं वो उनकी मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी पे तो उसको हम क्या हैं उससे हम अपनी जगह को कल्टीवेट करते हैं अगर हमें कुछ भी लगाना हो तो सो हम उसको कल्टीवेट करते हैं उस चीज से ठीक है सो तो वो हमारे गार्डन्स के लिए होते हैं एंड एक फील्ड कल्टीवेटर होता है जिसकी मैं अभी बात करी जो कि जिसको ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं ठीक है मैं आपको अभी दोनों दिखाऊंगी सो तो गाइस सबसे पहले अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट सो so गाइज ये हमारे कल्टिवेटर्स की डायग्राम है सो so गाइज पहला वाला हैंड कल्टिवेटर है एंड सेकेंड वाला फील्ड कल्टिवेटर है ठीक है सो ये जो हैंड कल्टिवेटर है ये यूज किया जाता है गार्डन्स में ठीक है ये हम अपने गार्डन्स में भी बहुत बार यूज करते होंगे अगर आप घर पर पूछोगे अपने तो, तो क्या पता आपको घर में भी मिल जाए एक हैंड कल्टीवेटर सो ये कुछ ऐसा होता है हो सकता है बहुत के घर में हो भी एंड गाइस इन्होंने नहीं भी देखा है so, सो मैंने डायग्राम बना दिया आप देख लो एंड आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इसकी पिक्चर्स ठीक है सो गाइस ये so हम गार्डन में यूज करते हैं ठीक है ठीके? ये हमें गार्डन में लैंड को कल्टीवेट मतलब जो हमारा जितना भी सॉइल का एरिया हमें कल्टिवेट करना है उसको कल्टिवेट करने में हमें हेल्प करते हैं ठीक है देन सेकेंड वाला है हमारा फील्ड कल्टिवेटर ठीक है सो गाइस ये फील्ड कल्टिवेटर कुछ ऐसा होता है जो ये चीज है ये वाली इसको हम बोलते हैं मेन फ्रेम क्या बोलते हैं इसको मेन फ्रेम एंड जो ये चीज है ये, ये तो सामने पता चल होगी क्या है ब्लेड सो so जो ये चीज आ रही है ना जहां पे ज्वाइन हो रहा है ये चीज क्या करती है इनको होल्ड करके रखती है ताकि जब हम इसको ट्रैक्टर से कर रहे हैं तो कहीं ये छूट ना जाए एंड ये अच्छे से इस ट्रैक्टर के साथ ज्वाइन भी हो जाता है सो so, मतलब जैसे जैसे ट्रैक्टर चलता जाएगा वैसे, वैसे वैसे हमारी फील्ड कल्टिवेट होती जाएगी सो so, ये है हमारा फील्ड कल्टीवेटर एंड ये है हमारा हैंड कल्टिवेटर ठीक है हैंड कल्टिवेटर ये इसका हैंडल है एंड ये इसके ब्लेड है चलो मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे सोज so ये चीज़ हमारी हैंडल है यहाँ से हम इसको होल्ड करते हैं एंड ये चीज़ हमारी ब्लेड है इससे हम इससे हमारे जो सॉइल हमें कल्टिवेट करना होता है उसको कर सकते हैं सो so इसको हम ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं ठीक है हम इसको सॉइल में इसको खींचते हैं ठीक है ताकि इसके मतलब ऐसे लाइंस बन जाए एंड उस लाइंस को जो ऐसे लाइंस बनती है ना उनको हम बोलते हैं सी बेड उसकी भी मैं आपको अभी डायग्राम बना के शो कर दूंगी ठीक है सो ये चीज़ है हैंडल ये चीज़ है ब्लेड ठीक है इसको कहाँ यूज किया जाता है गार्डन्स में अगर आपको अपने गार्डन्स में कोई चीज लगानी हो सो so, आप क्या करते हो हैंड कल्टिवेटर को यूज करते हो देन फील्ड कल्टिवेटर ये है ये इसका मेन फ्रेम एंड ये इसका ब्लेड है ठीक है ये इसको जो जॉइन कर रही है वो चीज़ ये है ठीक है ये चीज़ को जॉइन कर रही है ठीक है इसको हम नेक भी बोल सकते हैं ठीक है सो गाइस so, ये चीज़ इस, चीज़ इस चीज़ को हमारे मतलब जो ब्लेड जो हमारा कल्टिवेटर है उसको जॉइन करती है हमारे ट्रैक्टर के साथ ठीक है सो ये हमारी डायग्राम से so अभी सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे मैं आपको सीट दिखाऊंगी सो गाइज अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कल्टीवेटर सो गाइज जो कल्टीवेटर होता है वो एक हैंड ड्राइवन टूल है मतलब उसको हम हैंड से यूज करते हैं ठीक है बट अगर हम इसको ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं ठीक है सो so, मतलब ये एक हैंड हैंड्राइवन टूल है जिसके मतलब जिसमें व्हील्स नहीं होते सिर्फ ब्लेड होते हैं ठीक है थीके? ये व्हील्स की वजह से मूव नहीं करता ये ब्लेड की वजह से मूव करता है इसकी जो ब्लेड्स होते हैं वही तो काम करते हैं सारा वही तो हमारी लो करते हैं हमारी जमीन को ठीक है सो ये क्या है एक हैंड ड्राइवन टूल है जिसके जिसके जिसके, जिसके मतलब पूरे में मतलब इस साइड भी ब्लेड है और पीछे भी ब्लेड्स हैं ठीक है थीके? मतलब जिसके दोनों साइड्स पे ब्लेड्स हैं एंड इसके साथ मतलब जो कि वही ब्लेड्स तो हमारी सॉइल को टर्न ओवर करते हैं एंड उनको कल्टिवेट करते हैं ठीक है ये एक हैंड ड्राइवन टूल है कल्टिवेटर एक हैंड ड्राइवन टूल है जो कि ब्लेड्स कंटेन करते हैं अपने दोनों साइड्स में जिसके थ्रू वो मूव भी कर पाता है एंड वो क्या करते हैं हमारी सॉइल को अच्छे से वो टर्न ओवर भी कर देते हैं एंड उसको अच्छे से कल्टिवेट भी कर देता है ठीक है तो फिर वो क्या करते हैं जो उसके ब्लेड होते हैं वो बैक में भी होते हैं जैसे मैंने आपको बताया दोनों साइड ब्लेड होते हैं एंड ये एक होल्डर के साथ कनेक्टेड होते हैं ठीक है मतलब होल्डर से जॉइंट होते हैं जैसे ये वाला मैंने आपको चीज़ बताई इसको नेक नहीं बोलेंगे इसको हम होल्डर बोलेंगे ठीक है ये एक होल्डर से एक होल्डर की हेल्प से आपस में जुड़े होते हैं जिसकी वजह से ये मूव करते हैं ठीक है अगर ये जुड़े नहीं होंगे तो क्या होगा मतलब अगर उससे हो, क्या होगा कि हम इसको ट्रैक्टर से जॉइन नहीं कर पाएंगे तो मतलब क्या होता है कि अगर आपको कल्टिवेटर जब आप ट्रैक्टर के साथ ज्वाइन करते हो सो so, जैसे जैसे ट्रैक्टर चलती जाती है वैसे वैसे आपकी जो मतलब जैसे जैसे आपकी वो सॉइल है वो कल्टिवेट होती जाती है ठीक है सो कल्टिवेटर क्या है वो एक हैंड रेवन टूल है जो कि हम जो जिसके दोनों साइड्स पे ब्लेड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उसको सॉइल के ऊपर मूव करने में ठीक है ये क्या करते हैं हमारी सॉइल को टर्न ओवर भी कर देते हैं एंड उनको अच्छे से अगर हमने ह्यूमस डाला हो तो ह्यूमस को उनके साथ मिक्स भी कर देते हैं ठीक है एंड लैंड को अच्छे से कल्टिवेट कर देते हैं फिर क्या करते हैं इनके बैक साइड पे भी ब्लेड जैसे मैंने आपको बताया दोनों साइड्स पर ब्लेड होते हैं सो so, क्या करते हैं इनको ये जो कल्टिवेटर होता है ये एक होल्डर के साथ ज्वाइन होता है ठीक है जो इसको हेल्प करता है सॉइल के ऊपर मूव करने से सो so, गाइज ये चीज़ आ गई इसका मेन फ्रेम एंड ये है इसके ब्लेड्स ठीक है so, सो गाइज हमारा स्ट्रक्चर कल्टीवेटर का इतना ही है सो so अभी आप ले लो इसका स्क्रीन शॉट देन फिर मैं आपको बताऊंगी सीड बेड की डायग्राम मैं आपको शो करूंगी एंड सीड ड्रिल समझाऊंगी ठीक है सो गैज अभी आप ले लो इसका स्क्रीन शॉट सो वैज़ मैंने आपको बोलता है कि मैं आपको सीट बेल्ट की इमेज बना के दिखाऊंगी सो वैसे सीट बेल्ट ऐसा होता है सो so, वेज़ मैं ये नहीं बोल सकती कि पूरा ही ऐसे ही दिखता है सीट बेल्ट सो वेज़ मतलब हाँ अगर आपको प्रॉपर सीट बेल्ट देखना है सो so, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो एंड जो मतलब फील्ड्स में गए हुए हैं उन्होंने तो देखा ही होगा एंड जिन्होंने नहीं देखा है हमारे पास ही की ऑप्शन है गूगल उसको सर्च कर लो एंड ऐसे मैंने उसकी इमेज बनाने की कोशिश की है सोच so मतलब देखो अगर आपने कल्टीवेटर उसके ऊपर मतलब सॉइल है ठीक है सॉइल के ऊपर आप कल्टिवेटर चला रहे हो या फिर आप प्लो कर रहे हो सो so, अगर सॉइल बिल्कुल स्ट्रेट है मतलब बिल्कुल देखो ठीक है मतलब ये देखो ऐसी है एंड अगर अब इसको अगर हम ऐसे कलर कलर कर दें ठीक है so, सो अब देखो अगर जैसे समझो कि अब ये प्लो चल रहा है सो प्लो इसके ऊपर ऐसे जाएगा ठीक है ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा सो मतलब क्या और उसमें लाइंस बनती जा रही है उसमें अगर ये चीज है जो हमारा सीट बेड है एंड सीट बेड में ब्लो चलता जा रहा है देखो सो वो क्या कर उसमें लाइंस बनाते जा है ठीक वही सेम चीज होती है बस ये अगर हमने यहाँ पे ऐसे कलर के थ्रू किया मतलब जैसे हमने मार्कर से थोड़ी सी इंक कर दी बट एंड देन हमने उसको उंगली को हमने अपना प्लो लेकर चला सो जब हम उसको ऐसे ऐसे करते गए तो क्या हुआ उसमें मिटता गया जो मार्कर की इंक थी वो मिटती गई मतलब तो जब सॉइल के ऊपर चलते हैं तो क्या होता है वो मिट्टी तो नहीं है ना सॉइल उसमें क्या होता है सॉइल में ऐसी ही लाइंस बन जाती हैं देखो जैसे अभी फिर से करते हैं इसको थोड़ा सा ये देखो अब जब समझो कि ये सॉइल एंड ये प्लो है ठीक है मेरी फिंगर प्लो है सो प्लो जाएगा वो ऐसे जाएगा उसने क्या किया इधर एक लाइन बना दी फिर से करेंगे तो इधर लाइन बना दी फिर से किया तो इधर लाइन बना दी फिर से क्या तो इधर लाइन बना दी उसने इधर क्या तो इधर लाइन बना दी मतलब वो जैसे जैसे जाते जा रहे वैसे वैसे सॉइल में वो लाइंस बनाते जा रहे हैं ठीक है तो उन लाइंस में मतलब जो उसने जगह बनाई है बीच में उन्हीं के अंदर हम सीड्स को सीड ड्रिल के थ्रू डालते हैं ठीक है सो गाइज so अभी आप इसका ले लो स्क्रीन गाइज so आज की वीडियो लेक्चर में इतना सो साइज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सी ड्रिल क्या होते हैं ठीक है सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा सो so गाइज पसंद आए तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगी सो गाइज आई इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ बाय गाइज Bye!